और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिको पुल का शव मिला है, वो मृत पाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री कलिको पुल का मृत शरीर पाया गया है। हालांकि इसके आगे की जानकारी भी आपको हम देंगे, लेकिन अरुणाचल में पिछले वक्त में जो राजनीतिक संकट चला वो आप सबको पता है, सरकार अस्थिर थी, उसके बाद सरकार को स्थिर करने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन यहां पर बड़ी खबर यह आ रही है, पूर्व सीएम कलिको पुल का शव मिला है। और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोयवाल इस वक्त जुड़ गई है। मनोज्ञा जी, कलिको पुल पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरुणाचल प्रदेश के, उनका शव बरामद हुआ है उनके घर से। बताया जा रहा है कि पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है और उसके साथ साथ उन्होंने आत्महत्या की है, क्योंकि अपने बंगले में जब वो नहा से शिफ्ट किए गए थे पूर्व मुख्यमंत्री बतौर, उनकी बहुत ही एक अनसेरेमोनियस एग्जिट रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई रही है अरुणाचल में, उसके बाद उनको हटाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद, जो नवम तुकी को फिर से विस्थापित किया गया था, और अब फाइनली उनका शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कई दिनों से वो किसी से मिल नहीं रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो इतना डिप्रेशन में थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। जी मनोज्ञा, किन परिस्थितियों में उनका ये मृत शरीर पाया गया, आत्महत्या को लेकर क्या पुष्ट खबरें मिल रही हैं? जी बताया जा रहा है कि वो काफी दिनों से किसी से मिल नहीं रहे थे और बहुत ही कम लोगों से मुलाकात करते थे, लेकिन इस पूरे प्रकरण में हमने ये भी देखा है कि कलिको पुल जिस तरह के व्यक्ति रहे हैं, वो जनता के बीच में मिलते थे, जनता के बीच में सबसे मुलाकात करते थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से खासतौर से सत्ता जाने के बाद उन्होंने कोशिश भी की थी कि उनकी सत्ता वापस आए, लेकिन एक और कांग्रेस से उनको जिस तरह का व्यवहार मिल रहा था और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से वापस कांग्रेस में जाने के लिए जो चीजें हो रही थी, ये बात तो साफ है कि वो डिप्रेशन से भुगत रहे थे। लेकिन इस तरह का कदम उठाना एक इतने बड़े व्यक्तित्व के लिए, जो अपने आप में कारगर रहा हो, जो अपने आप को साबित कर चुका हो कि वो मुख्यमंत्री के लायक है, मुख्यमंत्री का पदभार संभाल चुका हो 6 महीने से अधिक, उसके बीच में इस तरह की घटना की खबरें आना बहुत ही ज्यादा कम से कम अरुणाचल के लिए बड़ा सवाल उठता है। मनोज्ञा, उनके घर में कौन कौन था, सबसे पहले किसने उनके मृत शरीर को देखा, ये जानकारी सामने कैसे आई? जानकारी तब आई जब सुबह उनका दरवाजा खोलने की कोशिश की गई तो दरवाजा नहीं खुला, उसके बाद दरवाजा तोड़कर उनको उनका कमरा खोला गया तो पता लगा कि वो बताया जा रहा है कि वो हैंगिंग अवस्था में पाए गए, उन्होंने खुद को उसे कपड़े बांधकर खुद को उस पर टंगा लिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि अगर ऐसी कोई बातचीत चल रही थी, उनके परिवार के लोग, उनकी धर्मपत्नी है, उनके बच्चे हैं और सभी कुछ साथ में भी रहते हैं और आते जाते भी रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी राजनीतिक गतिविधियां बहुत ही ज्यादा कम थी। जी अभी घटनास्थल पर कौन कौन मौजूद है, डेफिनेटली पुलिस वहां पर होगी और इन्वेस्टिगेशन इस बार मामले को लेकर चल रहा होगा। जी बिल्कुल, पुलिस वहां पर मौजूद है, उनके शव की शिनाख्त की जाएगी, ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार कब ये घटना हुई, कैसे ये घटना हुई, क्या इसके पीछे कोई और संदिग्ध गतिविधि तो नहीं है जिसकी पुष्टि की जाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आला अधिकारियों के साथ साथ काफी सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, विभिन्न लोग, और अरुणाचल में काफी ज्यादा टेंशन की स्थिति है, क्योंकि जो इनका फैन फॉलोइंग रहा है वो भले ही भारतीय जनता पार्टी हो या ये कांग्रेस हो, सवाल ये होता है कि इन्होंने कई दिनों तक काम किया है और जिस तरह से इन्होंने अरुणाचल में जनता दरबार लगाया है, पिछले 6 महीने में हर दूसरे शनिवार को इनका जनता दरबार लगता था, जिसमें शाम से करीब दोपहर से 2-3 बजे से शुरू होता था और कई बार सुबह 6 बजे तक, रविवार की सुबह 6 बजे तक जनता दरबार चलता था। लिहाजा कालिको पुल के काम पर सवाल नहीं उठ रहे, लेकिन कालिको पुल की हालात पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, और एक बार फिर अपने दर्शकों को हम ये बड़ी खबर बता दें, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कलिको पुल का शव मिला है, मृत अवस्था में वो अपने घर पर पाए गए और ऐसी खबरें मिल रही हैं कि पंखे से लटकता उनका शव पाया गया। हालांकि ये आत्महत्या है, खुदकुशी है या नहीं, इस पर पुष्ट खबरें आना अभी बाकी है, लेकिन जो लोग वहां मौजूद हैं उनका ये कहना है, जैसा मनोज्ञा भी हमें अपडेट कर रही थी, पुलिस वहां पर मौजूद है घटनास्थल पर और जैसी जानकारी मिल रही है पिछले कुछ वक्त से ज्यादा किसी से वो मिल नहीं रहे थे, सोशलाइज नहीं हुए थे लोगों से, कहीं मुलाकात पिछले कुछ वक्त में उनकी नहीं हुई थी, और ऐसे में इस खबर का सामने आना बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिको पुल का मृत शरीर पाया गया है, लेकिन किन परिस्थितियों में ये मौत हुई इस पर अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है। बीजेपी की मदद से कलिको पुल ने सरकार बनाई थी, करीब 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जिस तरह से वो पद से हटे उसको लेकर क्या उनके मन में कोई नाराजगी थी, गम था, डिप्रेशन था किसी तरह का, ये तमाम अभी सवाल हैं, इन पर कोई पुष्ट बात सामने नहीं आ पाई है। लेकिन कलिको पुल का मृत शरीर पाया गया है उनके घर पर और प्रत्यक्षदर्शी जो वहां मौजूद थे उनका ये कहना है कि जब दरवाजा खटखटाया गया सवेरे, दरवाजा नहीं खुला अंदर से, उसके बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई तो वो अपने घर में मृत पाए गए, पंखे से लटकता उनका शरीर पाया गया, लेकिन किन परिस्थितियों में मौत हुई है इस पर लगातार सवाल बना हुआ है।
बीते कुछ वक्त में लोगों से मेल मुलाकात उनका नहीं रहा है, अब किसी तरह की नाराजगी थी, डिप्रेशन था, लेकिन ये तमाम सवाल है। मनोज्ञा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, क्या अभी इस पर कोई ऑफिशियल किसी का कोई बयान आ पाया है, क्या कोई स्थिति में है बयान दे पाने की? नहीं, फिलहाल नहीं। परिवार बहुत ही ज्यादा सदमे में है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हुआ क्या, वाकया क्या था, इनके दिमाग में अगर इस तरह की चीजें चल रही थी, क्योंकि जब हम उनसे अंतिम बार मिले थे इसके पहले, जिस दिन सेरेमनी थी वहां पर उनको भी बुलाया गया था, वो भी बैठे थे पहली वाली कुर्सियों पर, नवम तुष्णी उनके बगल में, काली कपूर उनके बगल में, पेमा खांडू जो अभी के मुख्यमंत्री है, सब एक कतार में बैठे हुए थे, पहली कतार में बैठे हुए थे, लेकिन उनका चेहरा देखने से ये लग रहा था कि वो परेशान है, क्योंकि जिस राजनीतिक गतिविधियां हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में, उनके तो हुआ था कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से पीपीए में गए, पीपीए से उन्होंने सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद फिर एक बार जिस तरह से उनको हटाया गया और नवम तुकी को विस्थापित किया गया, शपथ ग्रहण समारोह में वो आए, वो कह रहे थे पर्सनल नोट पर, उन्होंने कई बार कहा था कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि राजनीति में कई चीजें होती हैं जो दिखती हैं और कई चीजें ऐसी होती हैं जिन नहीं दिखती हैं, और वही प्रेशर सबसे ज्यादा होता है झेलना, शायद वो इस बार झेल नहीं पाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी अरुणाचल में बार बार, उनके जितने भी फैसले लिए गए थे उन पर अभी सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार वो कारगर होंगे, उन्हें माना जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था और उसके आदेश के पालन के तहत नवम तुकी को बनाया गया था, लेकिन फिर बाद में पेमा खांडू बन गए, तो लिहाजा एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की गतिविधियों में जो पार्टी बदल चुके हो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इतने दिनों से वो जिस तरह से कम मिल रहे थे, लोगों से मुलाकात कम कर रहे थे, और गतिविधियों पर उनकी नजर भी है, इस तरह से नहीं रखी जा सकती थी, क्योंकि वो उनका मूड जिस तरह का था, किसी का भी होगा, वो कुछ ज्यादा ठीक नहीं था। बिल्कुल, बेहद यहाँ पर ये चौंकाने वाली बात भी, शॉकिंग खबर भी, पूर्व मुख्यमंत्री जिनका शरीर मृत पाया गया, मृत अवस्था में पाए गए, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, किन परिस्थितियों में ये घटना सामने आई, किन परिस्थितियों में ये मौत हुई, इस पर लगातार सवाल बने हुए हैं, लेकिन अभी पुलिस वहाँ पर मौजूद है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, शायद इसके बाद तस्वीर कुछ और साफ हो पाए। बेहद गम का माहौल, सदमे में परिवार, इसलिए कोई भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है, लेकिन यह घटना रिपोर्ट हुई है। सुबह जब दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, दरवाजा नहीं खुला अंदर से, तो उसके बाद जो व्यक्ति सबसे पहले दाखिल हुआ उसने देखा कि उनका शव लटकता हुआ मिला है, मृत शरीर पाया गया। मनोज्ञा लगातार इस पर हमें अपडेट कर रही है। जो उनका पिछला राजनीतिक सफर रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं रहा, जिस वजह से वो एक बुरे दौर से भी गुजर रहे थे। इस साल फरवरी से जुलाई तक मुख्यमंत्री रहे हैं कलिखोपुल, बीजेपी की मदद से उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक वो अस्थिरता का दौर देखा, क्योंकि कांग्रेस से बगावत करके मुख्यमंत्री बने थे कलिखोपुल, और ऐसे में अरुणाचल प्रदेश में लगातार जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रही थी उसने उन्हें अफेक्ट किया, पद छोड़ना पड़ा। 1995 में पहली बार विधायक और मंत्री बने थे, ये आपको हम उनका राजनीतिक सफर बता रहे हैं। 47 साल के थे अरुणाचल के पूर्व सीएम कलिखोपुल, काफी यंग एज में ही उन्होंने राजनीति का अपना यह सफर शुरू कर दिया था। अब तक का सफर भी अगर उनका देखा जाए तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने इसमें हासिल की, चाहे मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय करना हो, लेकिन ये जो घटना अब सामने आई है, उनका मृत शरीर पाया गया है, यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाला, बेहद शॉकिंग इंसिडेंट। मनोज्ञा लगातार हमें अपडेट इस पर कर रही है। मनोज्ञा, अगर पिछले 6 महीने का ही वक्त देखा जाए तो यही स्पेसिफिक एक ऐसा वक्त है जिसमें राजनीतिक तौर पर उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, और शायद सबसे पहली घटना के तौर पर, सबसे पहले इफेक्ट के तौर पर भी यही समझ में आ रहा है। बिल्कुल, और अगर किसी मुख्यमंत्री को हटाया जाए इस तरीके से, जहां पर पहले उच्चतम न्यायालय का आदेश आया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तहत उनको वो जो आश्वासन था, शनिवार का दिन था हमें याद है, उसके बाद रविवार को स्वेयरिंग इन सेरेमनी हुई, और देर रात 24 घंटे के अंदर जो पूरा परिवर्तन आया अरुणाचल की सरकार में, पहले नवम तुकी को हटाया गया, उन्होंने रिजाइन किया, उसके बाद स्पीकर ने रिजाइन किया, उसके बाद कालिक कपूर को बुलाया गया कि अगर वो नहीं ऐसा करेंगे तो उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन मीटिंग में बैठे हुए थे तो उनका चेहरा देखने लायक था, हमारे पास की तस्वीर, अंतिम बार कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग अटेंड की थी, और उस मीटिंग में उनका चेहरा देख के ये साफ हो रहा था कि वो कर रहे थे जो शायद उनके दिल की सहमति नहीं थी और दिमाग की सहमति नहीं थी। और अब तक जब हमने भी उनसे बात की है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि मैं सिर्फ दिन गिन रहा हूँ कि आगे क्या करूंगा, ये उनके अंतिम शब्द थे जब मैंने उनसे उनसे बात की थी, उनसे डिटेल में बात की थी, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि हो सकता है वो कानूनी दाव पेच में आगे बढ़े, कानूनी दाव पेच में, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसमें किस तरह से आगे बढ़ेंगे। फिलहाल उन्होंने कोई कानूनी कदम नहीं उठाया, लेकिन एक ऐसा कदम उठाया जिसे फिलहाल पूरा देश देखता रह गया।
मनोगी, अब ये सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर वजह क्या रही जिसकी वजह से ये पूरी स्थिति पैदा हुई या उनकी मृत्यु हुई है। अभी तक हालांकि तस्वीर साफ नहीं है कि क्या वाकई ये आत्महत्या है या नहीं, लेकिन सवाल लगातार यही उठता है कि क्या वाकई डिप्रेशन इस हद तक जा सकता है कि मुख्यमंत्री जैसा पद जो व्यक्ति संभाल चुका हो, जिसने इतने संघर्ष देखे हो, वो ऐसा कोई कदम उठा सकता है। हम चाहेंगे आपसे जानना, क्योंकि आप उनसे पर्सनली कई बार मिली हैं, वो जमीन पर कैसे नेता थे, कैसे लोगों से मिलते थे, किस तरह का उनका इंटरेक्शन लोगों से होता था, क्या उनकी छवि अरुणाचल प्रदेश में थी। जी, किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसकी छवि, और अगर उसकी छवि धूमिल हो जाए तो उसके लिए जिंदा रहना या काफी सारे सवालों का जवाब देना, क्योंकि जब लोगों की नजरें आपको देखती हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं और जब पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, उन सारे सवालों के जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मनोज, इस वक्त मैं आपको रोक रही हूँ। ईटानगर से MLA पेचा खासू साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बेहद दुखद ये खबर सामने आ रही है, मृत पाए गए हैं पूर्व CM। आपको इसके बारे में अब तक क्या कुछ पता चल पाया है, क्या आप हमारे साथ कोई जानकारी साझा कर पाएंगे? नहीं, अभी तक तो हम भी सुना है, हम भी उनका जो बंगला की ओर हम भी रवाना है, सुनने का बात है। ईटानगर जो है तो इनके पिटल है, हम नाहौर लोगों से है, हम भी ईटानगर उनका जो घर की ओर मैं भी जा रहा हूँ, ये दुख का बात है। लेकिन इसी तरह जो उन्होंने उनको कुछ समय सीएम भी बना है, और सीएम बनने से पहले भी हम अच्छे से जानता है वो बहुत गरीब घर से आया है, लेकिन इसी तरह की हो जो आज जो घटना जो घटा है, अगर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अगर किसी को अगर इसी तरह सुसाइड करके अगर अरुणाचल को हो कुछ अच्छा चीज नहीं दे पाएगा, लेकिन हम ये सोचता है, लेकिन अगर जिंदा रहता उनको और उनका उम्र बहुत कम एज है, लेकिन उम्र बहुत बचा हुआ है, उनको और अच्छा काम करने का और मौका मिल सकता था। लेकिन जो कुछ भी हुआ है बड़ा दुख का बात है, और हमारा अरुणाचल के लिए है एक अच्छा लीडर को जाना बड़ा दुख का बात है। सर, आपकी आखिरी मीटिंग कब उनसे हुई थी, कब आपकी आखिरी मुलाकात, कोई आखिरी बातचीत फोन पर या इन पर्सन फेस टू फेस उनसे कोई मुलाकात हुई हो इससे पहले? हो गया हम लोग मिला नहीं है, काफी दिन हो गया हम लोग मिला नहीं है। हो जो है CM बन के हो जो है आपका अरुणाचल पीपुल्स पार्टी में था, तो हम तो कांग्रेस का एक MLA होने का नाते मैं कांग्रेस का रहा और उनसे नहीं मिला और ऐसा बात करने को नहीं मिला। जी, ये जिस तरह के व्यक्ति वो थे, क्योंकि आप उनसे मिले हैं अक्सर, जिस तरह के व्यक्ति वो थे, क्या आपको लगता है कि इस वक्त वो एक बेहद बुरे दौर से गुजर रहे थे या किसी दुख या डिप्रेशन के वक्त से गुजर रहे थे? नहीं, ऐसा तो अभी हम जो फिलहाल एक डेढ़ महीना में उनको हम मिला नहीं है, तो जब से उनका जो चार चला जाने का बात मिला नहीं है तो हम वो हम बोल नहीं पाएगा। जी शुक्रिया पेचू खास साहब आपका हमसे बात करने के लिए। खबर बेहद दुखद खबर, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे, कलिको पुल का शव उनके घर पर पाया गया, मृत पाए गए, मृत अवस्था में वो पाए गए, लेकिन आखिर किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ इसके बारे में तस्वीर साफ होना अभी बाकी है, लेकिन शक ये है कि उन्होंने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है उनके घर पर, वहां इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने का जो वक्त है बेहद डिफाइनिंग मोमेंट है, ये बेहद ऐसा वक्त जिसमें उन्होंने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, क्योंकि ये कांग्रेस से बगावत करके BJP की मदद से उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए रहे, फिर उन्हें पद से हटाया गया। ऐसे में ये दौर अस्थिर दौर न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए था बल्कि उनके लिए भी रहा, क्योंकि उन्होंने उतार चढ़ाव कई देखे। अब जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं वो ये कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त था, लेकिन फिर भी ऐसा कदम वो उठा जाएं, इस पर सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या वाकई एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री का पद संभाल चुका है वो इस तनाव से निपटने में क्या नाकाम रहा। ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है और बेहद चिंताजनक बात भी, बेहद गंभीर बात भी कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। परिवार बेहद गम में, सदमे में, अभी कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है, और क्योंकि अभी यह खबर आई है तो इसलिए जो लोग भी वहां मौजूद हैं कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन शुरुआती खबरें हमें ये अभी मिल रही हैं वहां से, इस पर और डिटेल्स भी आपको हम देंगे, लेकिन शक ये है कि उन्होंने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है, मृत अवस्था में वो अपने घर पर पाए गए। और जैसा हमारी संवाददाता मनोज्ञा हमें बता रही थी, पिछले काफी दिन से कोई पब्लिक मीटिंग या किसी से मेल मुलाकात भी उनकी नहीं हुई थी, इसलिए कोई और व्यक्ति भी ये बता पाने में सक्षम अभी नहीं है कि आखिर पिछला 1-1.5 हफ्ता या 10-15 दिन का वक्त उनका कैसा रहा। परिवार में भी अभी कोई व्यक्ति कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं, लेकिन बेहद गमगीन खबर, बेहद दुखद खबर यह अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कलिको पुल का शव उनके घर पर मिला है,
लेकिन ये किन परिस्थितियों में ये पूरी घटना हुई इस पर अभी और डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन ये खबर आपको हम बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से। पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल नहीं रहे।